judging a show. Yeah. Dil Hai Hindustani. Yeah. So, what do you have to say about it? Kaisa format hai show ka? How's your experience? I think Dil Hai Hindustani again I would say is a kind of a milestone for me. Ek to ye show hi bahut anokha hai. इट्स द काइंड ऑफ शो इवन दो आज म्यूजिक रियलिटी शोज इतने देखने मिलते हैं पर इस शो जैसा शो आई कैन क्रॉस माई हार्ट स्वेयर टू डाई आपने देखा नहीं है क्योंकि इसके ऑडिशन में मैं बैठी हूँ इसका शॉर्ट लिस्टिंग भी मैंने किया है अभी इन द लास्ट मंथ और जो टैलेंट हमने देखा है इस शो में वो सिर्फ इंडिया का नहीं है बल्कि दुनिया भर का टैलेंट है जो इंडियन पासपोर्ट नहीं रखते हैं पर फिर भी दूसरे देशों से आकर हिंदी गाने उतने ही प्यार से उतनी लगन से और चाह के गाते हैं ये देखकर जो एक सरप्राइज मिलता है व्यूअर को लिसनर को वो हमने महसूस किया है और वो आपको महसूस करने की बारी है जो अभी कल से 7 जनवरी से रिलीज़ हो रहा है शो तो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी द ऑडियंस रिएक्शन ये एक शो का बहुत बड़ा USP है कि दुनिया भर के कंटेस्टेंट्स हैं दूसरी बात यहाँ पे सिर्फ सोलो सिंगर्स नहीं जो हम देखते आते हैं कि म्यूज़िक रियलिटी शो में सोलो सिंगर्स आते हैं यहाँ पे हमने ड्यूओज या क्वायर्स बैंड्स जैसे भी फॉर्मेट में आपको म्यूज़िक प्रेजेंट करना है यू आर वेलकम टू प्रेजेंट सो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विजुअल और ओरल एक्सपीरियंस होता है किसी भी ऑडियंस के लिए मेरा एक बहुत इंटरनेशनल फेवरेट कंटेस्टेंट जो ब्रुनाई से आए हैं उनका नाम नहीं कह रही हूँ मैं अभी या कह दूँ फखरुल नाम है उनका बहुत ही तगड़ा गाते हैं अलग उनके अंदाज में गाते हैं वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी और का गाना अपने अंदाज में गाओ तो वो अच्छा लगता है तो आई थिंक ही इज़ ब्रिंगिंग दैट ऑन द शो और हमारे देश से जो हैं दिग्विजय जिन्होंने मुझे कई बार रुला दिया है अपने गानों के साथ एज यू विल सी ऑन द शो ही इज़ फैंटास्टिक एंड लाइक आई सेड आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू वॉच नाउ